हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं बातें करने जा रहा हूँ सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट से रिलेटेड, आप लोग का एग्जाम से रिलेटेड। अभी का जो एग्जाम है, एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है कि वो क्या कर रहा है कि एग्जाम के तैयारी करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। किन्हीं को सिग्नल सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो किन्हीं को माइक्रोवेव में प्रॉब्लम है, तो किन्हीं को एडवांस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। तो इन सारे प्रॉब्लम से उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और वो सारा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, उस कंफ्यूजन के कारण से उनका जो मतलब कि उनके अंदर जो क्या कह सकते हैं, उसके उनके अंदर जो भी स्टूडेंट है उनके अंदर का जो एक मोटिवेशन है, मतलब कि अपने अंदर का जो मोटो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा, डर लग रहा है, अंदर से डर लग रहा है कि सर हम ये इस पेपर में कल जब लास्ट एग्जाम के पहले एग्जाम था तो लास्ट में जब स्टूडेंट लोग से मैं बातें करने लगा तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये बोल रहे थे कि सर मेरा सिग्नल सिस्टम में सर बहुत प्रॉब्लम है, किन्हीं का कह रहे थे माइक्रोवेव में सर बहुत प्रॉब्लम है, पढ़ चुके हैं सब कुछ वो जान रहे हैं, फिर भी अंदर से एक डर उनको सता रहा है। और ये जो डर है ना, ये डर आपके साथ कुछ गलत होने की संभावना को मजबूत करता है। तो डर करके कोई काम नहीं कर सकते, और उस डर को क्या करना है, हमें धीरे धीरे हटाना है, उसके लेवल को कम करना है। ये डर का लेवल बहुत हाई पे आया हुआ है, इस डर के लेवल को हमें धीरे धीरे कम करना है। और ये डर का लेवल कैसे कम होगा, तो आप याद करिए अपने आप को, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में थे, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में थे, तब वो आप ही थे जो 4 से 5 दिनों में अच्छे बेहतर तैयारी करके आप अपना एग्जाम क्लियर करते थे, ऑल पेपर क्लियर करते थे, कोई और दूसरा कोई नहीं था, तब भी आपको कोई नहीं हेल्प कर रहा था एग्जाम टाइम में, तब आप ही थे जो खुद से पढ़ते थे, लिखते थे और अपने प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, तब तो आप सिक्स सेमेस्टर इस दिन तक आए, आप इस दिन तक आए तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप इस एग्जाम को भी पास करोगे, और पास करने के बाद अपना मतलब कि मजबूत करोगे। और ये जो एबिलिटी है जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर छुपा हुआ है, बस उसको क्या करना है, धीरे धीरे रिवाइज करना है। देखिए, आपके अंदर का जो डर है, जो हाई लेवल पे गया हुआ है, उसके लेवल को कम करने का एक अच्छा है, बेहतरीन उपाय है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, उस सब्जेक्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन को निकालिए। फर्स्ट यूनिट से देखिए कि कौन कौन से मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को सारा कुछ बताया गया, उसको सोल्व करिए, और बार बार सोल्व करने से वो क्या होगा, जैसे जैसे आपको आने लगेगा आपका डर का लेवल क्या होगा, घटने लगेगा। और जैसे जैसे डर का लेवल घटने लगेगा, आपके अंदर का जो वो एनर्जी है वो बाहर झलकने लगेगा, आपके अंदर में एक शक्ति आएगी, आपके अंदर में एक समझ आएगा, आपके अंदर में एक मोटिवेशन आएगा कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और आपके अंदर में एबिलिटी है, इसी कारण से आप यहां तक हो। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, और आने वाले एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाइए। और ये बेहतर रिजल्ट आपके ही कारण आएगा, वो आप ही हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आप ही हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम भी आपका ही होगा। उसके लिए आपको टाइमिंग निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके प्रति समय देना पड़ेगा, और ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का जो समय है एग्जाम के 10 से 15 दिन का जो समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्हें भी डर लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके साथ आपकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, और आपके अंदर में वो डर को कम करने का ही प्रयास कर रही है। बाकी आपको सारे सब्जेक्ट का सारा कुछ मिल रहा है, कैसे क्या करना है आपको बताया जा रहा है, बस आपको ये करते जाना है। तो ये जो आपका जो है एनर्जी लेवल, आपके अंदर का जो डर का लेवल है, वो धीरे धीरे कमते जाएगा, और अंदर से वो खुशी जो है, आपके अंदर में जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ते जाएगा।
और कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ा करके रखना है, उसको एक जगह स्थिर रखना है, इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप वही हो जो फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े हो और पढ़ करके अच्छा मार्क्स लाए हो, इस बार भी लाओगे, ये पूरी गारंटी है। बस आपको स्थिर रह करके वर्क करना है। अभी के समय में इधर उधर कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको टू द पॉइंट दिया गया है एग्जाम के पहले एग्जाम उतना करके जाइए, आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में देखा जाए तो क्या होता है, डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है, किसी किसी में सर्किट डायग्राम बनाना होता है, किसी किसी पेपर में देखोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है ना, ये डायग्राम बनाने का, सर्किट बनाने का, फिर न्यूमेरिकल बनाने का, ये सब क्या है, ये सारे पेपर में एक एडवांटेज के तौर पे है। जिस भी पेपर में आपको चार नंबर में जो पॉइंट वाइज आप लोग लिखते हो, पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो, पॉइंट वाइज आंसर चार नंबर, चार मार्क्स में, फोर मार्क्स में, सिक्स मार्क्स में फिगर बनाते हो और पॉइंट वाइज लिखते हो, ये सारे जो है आपके पॉइंट जो दिलाते हैं, यही पॉइंट आपको नंबर दिलाएंगे। तो ये पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, सर्किट डायग्राम बना सकते हो, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल पे फोकस करिए, और जो अभी आप जानते हैं उसी को बार बार क्या करिए, रिवीजन करिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आपके लिए हमारी टीम पूरी आपके साथ खड़ी हुई है। तो आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो आप 9204047883 पे कॉल करिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपके लिए ये सारा जो कुछ भी आपके जो भी अभी मैंने बताया उस पर आप डिगे रहिए, आप इधर उधर ज्यादा छलांग मारने की उछलने की कोशिश ना करें, बस जो दिया गया है उतना पढ़े और उसको बार बार रिवीजन करते रहे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।